Hello students, this is GS Global Institute. This channel invites you as well as greets you. So in today's video, I am going to teach you about past continuous tenses. But before that, if you haven't subscribed our channel yet, please press subscribe button. And if you want to get updates from our channel, press bell icon too. So students, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने कैसे ट्रांसलेशन करनी है पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस की किस लैंग्वेज में हिंदी से इंग्लिश में बट बिफोर दैट लेट अस हैव अ रीकैप ऑन द टेंसेस टेंसेस आर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स दैट इज प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस एंड Each tense is further categorized into simple, continuous, perfect, perfect continuous tense. In this video, I am going to teach you about past continuous tense. So, let us have a look on the basic rules that we need to follow during our translation. So, सबसे पहला उसमें आता है हमारे टेंस की पहचान होना हमें पता होना चाहिए कि जो हम टेंस कन्वर्ट करने जा रहे हैं वो किस फॉर्म में है ठीक है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है कि कोई भी सेंटेंस जिसकी एंडिंग में रहा था रही थी रहे थे आ रहा हो वो पास्ट कंटिन्यूअस की कैटेगरी में फॉल करता है सो बेसिकली वो टेंस जिसमें कि काम कंटिन्यू रह रहा है लेकिन पास्ट टेंस में रह रहा है उसको हम बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ठीक है तो उनको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं उसके कुछ रूल्स होते हैं लेट अस हैव अ लुक ऑन द रूल्स तो सबसे पहले जो आता है वो होता है सब्जेक्ट फिर लगता है उसके साथ वाज वर देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट ठीक है सो जब हम किसी भी टेंस की ट्रांसलेशन कर रहे हैं हमें उसके बेसिक रूल के बारे में पता होना चाहिए फिर ही हम उस टेंस को ट्रांसलेट कर पाते हैं ठीक है अब हम फर्स्ट एग्जांपल को देखेंगे उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे ठीक है लेकिन उससे पहले जो बेसिक चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि किसके साथ वॉज लगेगा और किसके साथ वर लगेगा तो उसके लिए ही शी इट या फिर जहाँ पे भी कोई सिंगुलर चीज़ आ रही हो किसी एक इंसान का नाम लिया गया हो जैसे कि राम राधा या कुछ भी तो उसके साथ हमारा वॉज लगेगा और अगर हम आई वी यू दे या फिर किसी प्लूरल चीज़ की बात कर रहे हैं तो उसके साथ वर लगेगा ठीक है अब सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जांपल को देखेंगे उसके बाद हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पे मूव करेंगे सो लेट अस हैव अ लुक ऑन द फर्स्ट एग्जांपल तो फर्स्ट एग्जांपल क्या कहती है वे फुटबॉल खेल रहे हैं ठीक है अब काम क्या हो रहा है खेलना हो रहा है खेलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्ले बोलते हैं ठीक है उसके बाद हमने क्या ढूंढना था सब्जेक्ट ढूंढना था सब्जेक्ट क्या है किसने वो काम किया वे ने किया वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दे बोलते हैं ठीक है और वो काम क्या कर रहे हैं फुटबॉल को खेल रहे हैं तो फुटबॉल इज़ द ऑब्जेक्ट तो फिर अब पूरा सेंटेंस हमारा क्या बनेगा सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि दे फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि प्लूरल चीज़ के साथ वर लगेगा तो दे के साथ वर लग जाएगा फिर प्ले जो कि हमारा वर्ब था उसके साथ आईएनजी लगेगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा यानी कि फुटबॉल आएगा ठीक है तो जो हमारा पूरा सेंटेंस बना वो क्या बना दे वर प्लेइंग फुटबॉल ठीक है तो अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के ऊपर नेगेटिव सेंटेंसेस में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता है बस वॉज या वर के साथ नॉट लग जाता है ठीक है अब हम नेगेटिव सेंटेंस की एग्जांपल पे चलते हैं यानी कि एग्जांपल नंबर टू पे चलते हैं तो एग्जांपल नंबर टू क्या कहती है मैं मुंबई नहीं जा रहा था ठीक है सबसे पहले तो आपको रहा था से पता चल गया कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ठीक है अब आपने इसमें वर्ब को ढूंढना है ठीक है वर्ब क्या है यानी कि काम हो रहा है काम क्या हो रहा है जा रहा था तो जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं गो बोलते हैं तो यहाँ पे हमें हमारा वर्ब लोकेट हो गया ठीक है अब हमने ढूंढना है सब्जेक्ट को जिसने वो काम किया अब ऊपर वाले सेंटेंस में हिंदी वाले में सब्जेक्ट क्या है मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आई ठीक है तो हमें सब्जेक्ट भी मिल गया अब हमें ढूंढना है ऑब्जेक्ट तो वो कहाँ जा रहा था मैं कहाँ जा रही थी तो वहाँ पे आएगा मुंबई ठीक है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया अब हमने पूरे सेंटेंस को कैसे लिखना है
आई वॉज नॉट गोइंग टू मुंबई. अगर मैं नहीं वर्ड को अवॉइड करती थी तो मेरा सेंटेंस बनता आई वॉज गोइंग टू मुंबई, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं वर्ड बीच में है, तो वॉज के साथ नॉट लग जाएगा और वर्ब के साथ यानी कि गो के साथ आई एन जी तो लगना ही है रूल्स के अकॉर्डिंग. तो हमारा जो पूरा सेंटेंस बनेगा वो बनेगा आई वॉज नॉट गोइंग टू मुंबई. ओके, तो अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम वॉज या फिर वर से ही स्टार्टिंग कर देते हैं, यानी कि हमारा जो वॉज वर है वो सब्जेक्ट के आगे आ जाता है और सेंटेंस के एंडिंग में क्वेश्चन मार्क लग जाता है. ठीक है, अब ये कैसे होता है, लेट अस हैव अ लुक ऑन द थर्ड एग्जांपल. तो थर्ड एग्जांपल क्या कह रहा है, क्या हम बाज़ार जा रहे थे. ठीक है, तो यहाँ पे हमें रहे थे से पता चल गया कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस है. जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो बोलते हैं. काम किसने किया है, हमने किया है, तो हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं. ठीक है, और काम कर क्या रहे थे यानी कि ऑब्जेक्ट क्या था, गोइंग टू द मार्केट, यानी कि मार्केट जो था वो ऑब्जेक्ट था. अब क्योंकि ये क्वेश्चन की फॉर्म में है तो हमारा जो वर है उसने सब्जेक्ट से आगे आ जाना है, यानी कि वो वी से आगे लगेगा. तो हमारा जो पूरा सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, वर वी गोइंग टू द मार्केट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा. ठीक है, सो दिस वॉज द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. लेट अस मूव टू द ट्रांसलेशन प्रैक्टिस. ठीक है, तो हम इसी सेंटेंसेस की, इसी तरह के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे. मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस को लाने जा रही हूँ. आप क्या करेंगे, आप वीडियो को पॉज करेंगे, इन सेंटेंसेस को अपने नोटबुक में इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और 20 सेकेंड्स के बाद मैं आपके सामने आंसर्स लाऊंगी और आप उन आंसर्स को एनालाइज करोगे. ओके, सो हेयर आर द क्वेश्चंस. So now I am going to put forth answers in front of you. मैं आपके सामने answers लाने जा रही हूँ. Here are the answers. So did you get all of them right? If not so, then you need not to worry because it was just a practice session and you should remember that practice makes a man perfect. And it is always better to do mistakes in your practice session rather than doing it in your real IELTS examination test. Okay, so I will see you in the next video. If you haven't subscribed our channel yet, please press subscribe button and do press like button if you liked our video, and let me know whatever feedback you have in the comment section. Thank you so much.